दोस्तों, हिंदुस्तान अब वो मुल्क है जहां का वजीर आजम एक मंदिर की तामीर पर 1800 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। हालांकि इसी हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर की तामीर के लिए सरकारी फंड से 5 लाख रुपए देने से भी इनकार कर दिया था। पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर की तामीर के लिए सिर्फ सरकारी फंड देने से इनकार नहीं किया था, बल्कि मंदिर की इफ्तताही तकरीब में शिरकत से भी इनकार कर दिया था। आज के हिंदुस्तान में मोदी जी ने राम मंदिर की तामीर करके अपने सियासी कद काठ में इजाफा किया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि भारत के पहले वजीर आजम ने भी सोमनाथ मंदिर की इफ्तताही तकरीब में शिरकत से इनकार करके उस वक्त अपने सियासी कद काठ में ही इजाफा किया था। अब ये फैसला हिंदुस्तान की आवाम को करना है कि उस वक्त पंडित नेहरू का सेकुलर नजरिया ठीक था या अब मोदी जी और आरएसएस का नजरिया ठीक है। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि पंडित नेहरू ने 1951 में हिंदुस्तानी सदर जमहूरिया की सोमनाथ मंदिर की इफ्तताही तकरीब में शिरकत की मुखालफत क्यों की थी। हमारे साथ रहिएगा। सोमनाथ मंदिर हिंदुस्तानी तारीख में दो हवालों से ज्यादा मारूफ है। पहला ये कि कृष्ण भगवान ने अपना आखिरी सफर सोमनाथ तक किया था, इस वजह से सोमनाथ मंदिर को हिंदू मत के अहम तरीन स्थानों में शुमार किया जाता है। सोमनाथ मंदिर की शोहरत की दूसरी वजह 10वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी के इस मंदिर पर पै दर पै हमले हैं, और तारीख ये भी बताती है कि महमूद गजनवी इस मंदिर से सोना और जवाहरात के अंबार लूटकर गजनी ले गया था। मारूफ इंडियन हिस्टोरियन रोमिला थापर के मुताबिक महमूद गजनवी के हमलों के बाद मुगल बादशाह अकबर के दौर में सोमनाथ मंदिर के खंडरात की थोड़ी बहुत मुरम्मत करके यहां पूजा की इजाजत दे दी गई और मंदिर की देखभाल के लिए एक महंत भी मुकर्रर किया गया। अकबर के नौ रत्नों में शामिल फैजी ने महमूद गजनवी का नाम लिए बगैर ये भी लिखा कि इस मंदिर पर हमला और कत्लोगारत एक तहजीब का उजाड़ा था। 1706 में औरंगजेब आलमगीर ने अपने आखिरी दौर में इस जगह को मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दिया था, लेकिन मुगल सल्तनत कुछ ऐसे जवाल से दोचार हुई कि ये हुक्म शाही पूरा नहीं हो सका। लेकिन 1782 में मराठा हुक्मरान होलकर की बीवी अहलाबाई ने सोमनाथ में एक छोटा सा मंदिर जरूर तामीर कराया। आजादी के बाद कांग्रेसी लीडर के एम मुंशी ने सोमनाथ मंदिर की पुरानी अजमत को बहाल करने का बीड़ा उठाया और इस काम के लिए उन्हें मोदी जी के आइडियल कांग्रेसी लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल का तावुन भी हासिल था। 12 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ की रियासत को हिंदुस्तान में शामिल करके सोमनाथ मंदिर की दोबारा तामीर का ऐलान भी किया। उस वक्त की सेंट्रल कैबिनेट ने भी इसकी मंजूरी दी, लेकिन गांधी जी ने ये कहा कि मंदिर की तामीर के लिए सरकारी पैसे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अगर मंदिर तामीर करना ही है तो इसे चंदे से बनाया जाए। चुनाचे मंदिर की तामीर के लिए सोमनाथ ट्रस्ट बनाया गया। उस वक्त के गुजरात के गवर्नर ने मंदिर की तामीर के लिए सरकारी फंड से 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया तो पंडित नेहरू ने इसकी मुखालफत करते हुए कहा, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क
खुराक के बहरान से जूझ रहा है और हम तालीम और सेहत के शोबों के लिए भी मुश्किल से रकम निकाल पा रहे हैं, गवर्नर की तरफ से ये ऐलान एक सियासी स्टंट बन जाएगा, उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ से वजारत खारजा को ये सर्कुलर भेजा गया कि सोमनाथ की तामीर के लिए दुनिया भर में फैले हुए हिंदुस्तानी सफीर जिस जिस मुल्क में भी तैनात है वहां के दरियाओं का पानी और पहाड़ी मिट्टी भारत भेजे ताकि उसे मंदिर की तामीर में इस्तेमाल किया जा सके, मगर नेहरू जी ने इस हुक्म पर कार्रवाई भी रुकवा दी। सिर्फ यहीं तक नहीं कि एम मुंशी ने उस वक्त की हुकूमत को ये तजवीज दी कि राष्ट्रपति को मंदिर का इफ्तिताह करना चाहिए, लेकिन पंडित नेहरू ने इस तजवीज की भी मुखालफत की। उन्होंने मार्च 1951 में सदर राजेंद्र प्रसाद को खत लिखा कि हर किसी को जाती हैसियत में मंदिर में जाने का पूरा हक है, मगर रियासती नुमाइंदे के तौर पर आपका वहां जाना मुश्किलात पैदा करेगा। नेहरू जी के इस खत के बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस तकरीब में जाने पर बजिद रहे तो नेहरू जी ने उन्हें एक और खत लिखा कि एक सेकुलर मुल्क के ओहदेदार होते हुए हम किसी एक मजहब की इबादतगाह से रियासत को कैसे जोड़ सकते हैं, इससे सियासी तौर पर गलत पैगाम जाएगा। लेकिन आज इस वाक्य के 73 बरस बाद भारत अब वो मुल्क है जहां का प्रधानमंत्री एक मुतनाज़ मंदिर की तामीर को अपना सबसे बड़ा कारनामा मानता है और पूरी सरकारी मशीनरी मंदिर की तामीर में झोंक देता है। देखा जाए तो कांग्रेस, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने जिन सेकुलर नजरियात पर भारत की नींव रखी थी उन्हें नजरअंदाज करके आज भारत वैसा बन चुका है जैसा उसे आरएसएस बनाना चाहती थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।